हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा भी खाना बन रहा है। और मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ लेट सो के उठती हूँ, उसका रीज़न ये है कि मुझे बाबू को सुबह स्कूल भेजना पड़ता है। 5:30 में उसकी वैन आती है, तो जब मैं उसको भेज देती हूँ कम्प्लीटली, तो उसके बाद मैं फिर सो जाती हूँ, क्योंकि उतना मॉर्निंग में कुछ करने का मन भी नहीं करता, तो मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद मैं उठती हूँ 10 बजे, 9 बजे जब मन किया उठी, तो उसके बाद जो मुझे करना होता है मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं किचन में, मेरा आधा खाना बन गया है और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैं सब्जी बना रही हूँ किस चीज़ की, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आलू को भून के रखा है, तेल में फ्राई करके रखा है, पंचफोड़ना डालकर। और उसके बाद अभी मैं इसका मसाला, जैसे मछली तैयार करते हैं ना, उसी तरह से मैं इसको तेल में, इस मसाले को ऐड करूँगी। और उसके साथ मैं डालूँगी धनिया, मिर्ची, हल्दी, सारा कुछ डालूँगी मैं। तो चलिए, मैंने तेल में मसाला को ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें मिर्ची पाउडर डालूँगी, जितना आपको ज़रूरत है, जितना तीखा पसंद है उतना क्वांटिटी में डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद डालेंगे नमक। उसके बाद इसको चलाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये एक साथ अच्छे से भून पाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी लग रहा है ना। इसको अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो डालने पे टेस्ट आता है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा जैसा। ये देखिए फ्रेंड्स, बाबू आ गया एग्जाम देकर। तो आज इसका हिंदी का पेपर था और ये बोल रहा है कि इसका एग्जाम अच्छे से गया। आई होप अच्छे से गया हो। ये झूठ भी बहुत बोलता है। नो, मैं झूठ नहीं बोलता मम्मा। तो इसलिए अब देखते हैं, रिपोर्ट कार्ड जब आता है तो उसका रिजल्ट तो रिपोर्ट कार्ड में ही आएगा, उसका भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी वीडियो कि इसका रिजल्ट कैसा है। आप लोग वेट करना कि मेरे बाबू का रिजल्ट कैसा है। और आप लोग ये विश भी करना कि अच्छा रिजल्ट आए। और आप लोग इसको ऑल द बेस्ट बोलो, ऑल द बेस्ट कि अभी आगे जितना भी एग्जाम है वो सब अच्छे से देइए और अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए। मम्मा, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं पूछा था कि तिरंगे में कितने कलर होते, तो मैंने लिखा कि तिरंगे में 3 कलर होते हैं। पहला है और नारंगी, तब वाइट, और तब चक्र, और तब हरा। गुड, तो मैंने ये लिखा मम्मा। गुड, और लिखा हुआ था कि वैभव का परिवार कहाँ रहता है, तो मैंने लिखा कि वैभव का परिवार नैनीताल में रहता है। वैभव पढ़ने के लिए पैदल चलता है या गाड़ी से जाता है? पैदल।
और लिखा हुआ है वो तैराकी करता है घुड़सवारी तैराकी। वेरी गुड, मैंने ये लिखा अम्मा। गुड, इसने जितना याद किया था उसने मतलब पूरा तैयारी इसको करवाया था मैंने और इसके टीचर ने भी, तो सब कुछ ही अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो जैसा कि बोल रहा है बस वैसा ये दिया हो एग्ज़ाम आई होप, तो सब कुछ अच्छा है। और क्योंकि अगर बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा फील होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और मम्मा लिखा हुआ था कि तुम कहाँ, तुम कहाँ, चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरी सब्जी बन रही है और देख लीजिए आप लोग कितना टेस्टी है। और इसमें जब मैं ये आलू को ऐड करूँगी उसके बाद हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे और ये सब्जी सच मानिए बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी कभी ट्राई करो। और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी की पूरी ये चाहिए तो मेन्यू चाहिए कि कैसे मैं बनाती हूँ तो आप लोग प्लीज कमेंट में बताना कि मैं इसका मेंशन कर दूँगी। ओके बाय।